हरियाणा के झज्जर के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर तीसरे दिन भी हड़ताल पर डटे हुए हैं। आपको बता दें, कर्मचारी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी करनाल में मुख्यमंत्री के आवास पर घेरा भी कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, दूसरा दिन आपका हड़ताल का है, क्या सरकार से वार्ता हो पाई है या नहीं हो पाई है, और आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? चार दिवसीय हड़ताल है, इसके आगे भी कोई आगे की रणनीति बनाई आप लोगों ने? हमारी सरकार से ACS हेल्थ से वार्ता हो चुकी है, इसके अलावा हमारी MDNHM से वार्ता हो चुकी है। ACS हेल्थ को तो हमारी मांगों के बारे में ही नहीं पता था, वो हमारी मांगों को सुनने के लिए, उनसे अवगत होने के लिए हमारे को बुलाया गया था। MDNHM से हमारी वार्ता हो चुकी है, जिसमें कल भी हमारी वार्ता थी, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये जो वार्ता का दौर है, ये कुछ अधिकारियों के साथ रहे, ताकि हमारी मांगों के ऊपर जल्द से सहमति बने और आपस के जो टकराव की स्थिति है उसको खत्म किया जा सके। हमने चार दिन के जो हड़ताल का जो बात कर रखी है, जो हमारी मांग अगर बीच में सुनवाई हो जाती, वार्ता हो जाती है, और ये हड़ताल वार्ता होने पर अगर सफल होती है तो हम इस चीज़ को स्थगित कर देंगे। यदि हमारी वार्ता में कोई सफलता नहीं मिलती है तो हम इस हड़ताल को आगे चलेंगे।